नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्व में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिसने आप करके इन दोनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 8 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन आद्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, धन योग की बात करें तो दोस्तों ये दिन शोभन नाम का शुभ योग और अतिगंड नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय सुबह के 10:55 से लेकर दोपहर के 12:28 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मिथुन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों दिन शनिवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और साथ दोस्तों इस दिन शुक्रमा नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय सुबह के 9:22 से लेकर सुबह के 10:55 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मिथुन के उपरांत कर्क में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 10 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, कुश नाम का नक्षत्र और शायद दोस्तों इस दिन धृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। जी दोस्तों, इस दिन राहु काल के समय शाम के 5:08 से लेकर शाम के 6:42 रहेगा और चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यशो में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने की संभावना है। कार्यों में जो है धन खर्च हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको यशो में सफलता मिलेगी। दोस्तों, कोई भी नया हुनर तकनीक सीखने का जो है यश में आपको अवसर मिलेगा। धर्म एवं अध्यात्म संगीत में आपको रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति में भी यश में इन दिनों वृद्धि होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो पारिवारिक की स्थितियां जो है कुछ तनाव में हो सकती है। आवश्यक घर परिवार में विवाद उत्पन्न हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से जो है यह समय तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। तथा दोस्तों, यश में धन अचल संपत्ति त्यागों को लेकर विवाद उत्पन्न भी होगा, जिसके कारण घर का जो संतुलन बिगड़ने की संभावना हो सकती है। वही दोस्तों, इन दिनों में ये जो समय है कई तरह से अधिकार मिल सकते हैं आपको, लेकिन दोस्तों आपको अधिकारों के उपयोग में सावधानी बरतनी होगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूसरों पर यश में थोपने की कोशिश ना करें। अपने टारगेट के लिए अपनी कुशलता पर ही भरोसा करें। दोस्तों, कुछ परेशानियां आपके सामने यश में आ सकती है, लेकिन आप इनसे आसानी से निपट पाएंगे। दोस्तों, ये जो दिन है कुल मिलाकर आपके लिए कुछ चुनौतियों के साथ सकारात्मक रहेगा। वह दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो करियर के लिए ये जो समय है आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है ये जो दिन है इसके बावजूद भी आपके फेवर में ही रहेगा। वह दोस्तों, इन दिनों में आप सोच समझकर कदम उठाने की कोशिश करें। पिछले कुछ दिनों से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं वो जो मेहनत आपका यश में रंग लाएगा। वही दोस्तों, यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में संभावना है कि आपका प्रेमी जीवन जो भी है यश में आपसे किसी महंगी वस्तु का डिमांड कर सकता है, जिसे आप पूरा कर पाने में यश में असफल रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको खुद को परेशान न करते हुए अपने साथी को समझाने की जरूरत होगी। दोस्तों, ये जो समय है प्रेम संबंधों में तनाव और जो है दुराव की स्थिति बन सकती है। गलतफहमियों को सुलझाने का यश में आप प्रयास करें। जितना से हो सके आप यह समय विनम्र बने रहें और अपने साथी का बात पूरे ध्यान से सुने, उनके हाँ में हाँ यश में मिलाएं। लेकिन दोस्तों, जो भी उनसे बात करें आप पूरे अपने वाणी पर संयम रख कर ही करें। इससे दोस्तों आपका जो प्रेमी जीवन प्रेम लाइफ जो है और भी बेहतरीन होगा। वही दोस्तों, यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है मानसिक तनाव आपको थोड़ा कमजोर कर सकता है।
वही दोस्तों यह समय बच्चे खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में उन्हें चोट लगने की संभावना भी बनेगी। ग्रह गोचर की स्थितियां ऐसा योग दिखा रहा है। तो आए दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और यश में आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 7। वही दोस्तों इन समयों में परिवारजनों के साथ आप बाहर किसी सुरुचिपूर्ण भोजन करने जा सकते हैं। अतः दोस्तों आप भोजन और प्रियजनों के साथ दोनों का आनंद ले सकेंगे। फिर भी दोस्तों यश में आपको किसी भी प्रकार के आधिपत्य की भावना छोड़नी पड़ेगी, ऐसा गणेश जी का चेतावनी है। दोस्तों यश में एक बार स्वामित्व भाव छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी भव्य बन जाएगी। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो दिन है नए अवसर तलाशने के लिए एक अद्भुत दिन होगा। एक जो है रोमांचक परियोजना आपके पास यश में आ सकता है, इसकी संभावना बन रही है। दोस्तों गणेश जी आपको इसे स्वीकार करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि आपको इसे पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगा। गणेश जी कहते हैं कि आप इसे समाप्त करने के लिए अपनी जो है शक्ति को दोगुना कर लेंगे। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो यश में आप रोमांटिक हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी के साथ मिलने के यश में आप इच्छुक रहेंगे। अपने प्रेमी को केवल मीठे शब्दों से प्रभावित ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने रिश्ते में भी मिठास लाने की आप कोशिश करेंगे। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इन दिनों में काम के सिलसिले में आपको काफ़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों इन दिनों आप सोचें कि ये यात्रा जरूरी है या फिर नहीं। वही दोस्तों यश में आपको उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं होगा, बल्कि यात्रा न करें तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि काम की जगह के नज़दीक ही घर हो। दोस्तों यश में अच्छा ये होगा कि आप जो करना चाहते हैं उस पर अपना फोकस बनाए रखें। धैर्य से सभी मामलों को निपटाने में आप यश में सहायक होंगे। जो आपकी खुशी है यश में अधिक होगी और शारीरिक स्वास्थ्य भी यश में बढ़िया रहेगा। दोस्तों योग या फिर जिम शुरू करने के लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों यश में प्रबल आत्मविश्वास और इन दिनों का आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम के लिए काफ़ी वक्त देंगे। कुछ खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। दोस्तों समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेड़ दें और घर में व फिर दोस्तों के बीच अपनी स्थिति सुधारने के बारे में आप सोचें। दोस्तों प्यार का बुखार आपके सिर पर चढ़ने के लिए इसमें तैयार रहेगा। इसका अनुभव है, आप इसमें कर सकते हैं। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार भी देंगे। दोस्तों अपने बीते कार्य क्षेत्रों में दोस्तों कई काम आपने अधूरे छोड़े हैं, जिनका आपको भुगतान यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए खाली वक्त में भी ऑफिस के कामों को पूरा करने में ही बीत जाएगा। वह दोस्तों यश में अपने जीवन साथी के साथ बहुत कुछ रोमांचक आप काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दिनों आप इत्र, खुशबू, अगरबत्ती, कपूर का दान करें। दोस्तों इन्हें अगर आप दान करते हैं या फिर खुद इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इससे जो है आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत सुदृढ़ होगी। इन्हें आप और भी अच्छी बना पाएंगे, आप अपने आर्थिक स्थिति को और भी अच्छी तरह सुधार पाएंगे। दोस्तों यश में नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए माता पिता को आप पार्वती व फिर शिव जानकर उन्हें बैठाएं। हाथों में पुष्प लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश के रूप में समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। वह दोस्तों नौकरी प्राप्त करने का प्रमोशन प्राप्त करने तथा विद्या के क्षेत्र में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करें। इससे दोस्तों आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगे और इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। तो दोस्तों इन उपायों को करें, ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।